हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन इन्फॉर्मर में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही ठीक ठाक होंगे। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी में अक्सर कमर दर्द, प्रेगनेंसी वेस्ट में दर्द, गर्भाशय में ऐंठन होती है, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, और इसका प्राइस क्या है, और किस किस बीमारी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ शुरू से अंत तक। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेरिडॉन बेनिफिट्स एंड यूज इन हिंदी, आप किस किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में कमर दर्द, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में दर्द, गर्भाशय में ऐंठन, गर्भाशय में पेट पेडू में दर्द, प्रेगनेंसी में सर दर्द, प्रेगनेंसी में बुखार, प्रेगनेंसी में दर्द, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, दांत दर्द, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वेचन में सूजन, पैरों में दर्द, साइटिका, कमर दर्द, लिप डिक्स, एरी में दर्द, कलाई में दर्द, दर्द असिस्टिव अर्थराइटिस, माइग्रेन, वायरल फीवर, हाथ पैर में दर्द, थकान, सुस्ती, एनीपिया, एपनिया, इन्फेंटिल, सर्दी, जुखाम, साइनस, ज़्यादा नींद आना, कान में संक्रमण, कान का मोल, और भी बीमारी में आप इस्तेमाल तो कर दोस्तों सकते। किसी को क्या होती है, जैसे प्रेगनेंसी में कमर दर्द होती है, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में दर्द होती है, गर्भाशय ऐंठन में दर्द होती है, गर्भ अवस्था में पेड़ों में दर्द होती है, प्रेगनेंसी में सर दर्द होती है, प्रेगनेंसी में बुखार होती है, प्रेगनेंसी में दर्द होती है, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कलाई में दर्द, एरी में दर्द, तो इस कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बीमारी में आप ले सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। फिर कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो चलिए गाइस जानते हैं इनके कॉम्बिनेशन के बारे में, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन डाला हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं, प्रोपेफेनाजोन एंड पैरासिटामोल कैफीन डाला हुआ है, बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी आप इसका इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर से परामर्श कर ले, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। तो गाइस, आप बात करेंगे इसका कंपनी के बारे में, कौन सी कंपनी ने इनको मैन्युफैक्चर किया है। तो गाइस देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बाय पिरामल इंटरप्राइज लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर। तो दोस्तों, आप बात करेंगे इसका इस्तेमाल के बारे में, अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी के संकेत मिलते हैं तो दिन में दो टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम में आप ले सकते हैं। तो गाइस, तो दोस्तों आप बात करेंगे इसका प्राइस के बारे में, तो गाइस देख सकते हैं इसका प्राइस 35 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में आप खरीद सकते हैं या परचेज। आप लोगों को पता होगा सेरिडॉन टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जो इस प्रकार आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है, जैसे सूजन, लाल चकते, खुजली या जलन, सांस लेने में तकलीफ, लीवर की क्षति, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, दस्त, भूख कम लगना, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, एनीमिया, एडिमिया, कब्ज, पीलिया, एरिथमा, अनिंदा, मतलिया, उल्टी, अपच, चिड़चिड़ापन, पेट में सूजन, तेज धड़कन, त्वचा पर चकते, उर्टिकारियो, चेहरे पर सूजन, चेहरा लाल होना, कान में दर्द, ये सब आपको साइड इफेक्ट देखने को। तो दोस्तों, आप बात करेंगे सेरिडॉन कंट्राइंडिकेशन इन हिंदी, अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी पहले से है तो सेरिडॉन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें, जैसे ड्रग एलर्जी, गुर्दे की बीमारी, शौक, लीवर रोग, शराब की लत, फिनेल किटोन्यूरिया, न्यूरोट्रोपोनिया, शराब की लत, फैनिक अटैक और विकास, अनियमित दिल की धड़कन, हाइपरथायराइडिज्म, पेट में अल्सर, हृदय रोग, हाई बीपी, पेरिफेरल वैस्कुलर रोग, गर्ड, पैराफाइरिया, ये सब आपको, अगर आपको बीमारी है तो
सेरेडोन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और इससे भी अच्छी अच्छी मेडिसिन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।